ख्वाजा गरीब नवाज जब नए नए आए ना अजमेर शरीफ में तो खेमा लगाया हुआ था ख्वाजा गरीब नवाज ने। खेमे में ख्वाजा गरीब नवाज असर से लेकर मगरिब के वक्त तक रोते रहते थे। एक नौजवान अजमेर से बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए, कुछ अरसे के बाद वापस आया और उस खेमे के करीब से गुजर हुआ और गुजरा तो रोने की आवाज आई। फौरन देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रो रहे हैं, अभी गैर मुस्लिम है, इस्लाम कबूल नहीं किया। फौरन घर जाता है, माँ से पूछता है, माँ ये मुसलमानों का गुरु क्यों रोता है, मुसलमानों का बाबा क्यों रोता है, मैं हर रोज गुजरता हूँ असर से मगरिब के माबेन जो वक्त है ये रोता है। माँ ने कहा जाओ उससे पूछ लो क्यों रोता है। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के अंदर आया, कहा बाबा मैं हर रोज यहाँ से गुजरता हूँ, आपके रोने की आवाज आती है, बताइए आप क्यों रोते हैं। कहा जानना चाहते हो मैं क्यों रोता हूँ, मैंने एक मुद्दत अपने मुर्शिद के साथ गुजारी है, मुर्शिद की खिदमत में गुजारी है, मुझे अपने पीर की याद रुलाती है, पीर की याद रुलाती है, मैं असर से मगरिब के वक्त तक अपने मुर्शिद की याद में रोता रहता हूँ। उस नौजवान ने कहा अच्छा मैंने तो सुना था कि इंसान को जब दर्द होता है तकलीफ होती है तो तकलीफ इंसान को रुलाती है, आपको तो मोहब्बत है, ये मोहब्बत में भी इंसान को रोना आता है। कहा हाँ हाँ है नौजवान, इंसान मोहब्बत में भी रोता है। कहा तो फिर मुझे भी रोना है, मैं भी रोना चाहता हूँ, मुझे भी रोना सिखा दीजिए। कहा तू रोना चाहता है? रोना चाहता हूँ। कहा ठीक है, दो शर्तें हैं, मुसलमान हो जा और मेरा मुरीद हो जा। कहा मैं माँ से इजाजत तलब करूंगा। माँ के पास गया इजाजत लेने के लिए। माँ ने कहा तू जिद्दी है, जब तू इरादा कर लेता है, जो इरादा करता है तू पूरा करता है, जा जो करना चाहता है कर ले। ख्वाजा गरीब नवाज के बरगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है बाबा मैं फिर मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे मुरीद कर लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुरीद कर लिया, ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा अब वक्त सारा मेरे साथ गुजरेगा, नाश्ते के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सहरी के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सहर के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, पूरा दिन। ख्वाजा गरीब नवाज के कुर्ब की कुछ ऐसी आदत हो गई, ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना हो गया, उनका आशिक हो गया। कुछ अरसा गुजरा, ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया अब तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए चला जा। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, इशू ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है 3 दिन के लिए चला जाता हूँ। अब जब 3 दिन के लिए घर गया, कहा 3 दिन के लिए तू अब मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता, मेरे मुझसे मिलने की इजाजत नहीं है। उसने कहा ठीक है नहीं मिलूंगा। घर गया, पहले दिन जब घर गया ये वो नौजवान था जो 3 रोटियां खाया करता था, आज एक लुकमा भी नहीं खा पाया। उसे कुछ हो गया, कह रहे मुझे कुछ वैक्यूम सा महसूस हो रहा है, कुछ दिल में कमी सी महसूस हो रही है। यूं वक्त गुजरता गया, रात का वक्त आया, आंख ना लगी, सोना पाया, मकान की छत पर चला गया। माँ ने देखा बेटा छत पर क्यों चला गया, माँ छत पर जाती है, बेटे क्या हुआ? कहा पता नहीं माँ, मैं तो फौरन सो जाता था, आज नींद भी नहीं आ रही, आज खाना भी नहीं खा पाता। माँ तू चली जा। माँ चली जाती है, यूं जब सहरी का वक्त होता है उसकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है, वो रो रहा है, उस पर दिक्कत आ रही है। माँ आती है, बेटे क्या हुआ? कहा माँ मुझे प्यार हो गया है, माँ मुझे मोहब्बत हो गई है, माँ मुझे इश्क हो गया है, जा गरीब नवाज के पास। कहा मुझे बुला लो, अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, अब मुर्शिद की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है, कहा मैं नहीं जानती है मुसलमानों के बाबा तूने मेरे बेटे को क्या दे दिया, तुम्हारा ताल्लुक नहीं समझ पाती, तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ पाती, लेकिन वो तो रो रहा है, कहता है वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा नहीं अभी वक्त नहीं है, मैं अपनी जुबान में कहता हूँ। गोया के ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा होगा अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए, अभी तो इब्तिदा है। माँ को वापस भेज दिया, कहा वापस चली जा। उसे कहे अभी इजाजत नहीं है, वो वापस चली जाती है, बेटे को बताती है कि है मेरे बेटे, वो तो इजाजत नहीं दे रहा। कहा माँ सुन ले, अब अगर ना बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरे मुर्शिद को राजी कर ले, मेरे मुर्शिद को बता दे, अब ये एक जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फौरन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है, कहा हे गरीब नवाज करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, मुझ माँ की आरजू है, वो मर जाएगा। कहा माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूँ, जा उसे वापस भेज दे। वो फौरन भागता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को दस रहे हैं, एक मजमा लगा हुआ है। वो फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीद ये मंजर देख रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। वो मैंने कहा था ना निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और पूछा अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है, अब पता चला। उसने कहा हे गरीब नवाज करम फरमाइए, फौरन गरीब नवाज
नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आ गिरा, गरीब नवाज के कदमों से लिपट गया। अब मुरीदीन इस मंजर को देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ वो मुरीद ही नहीं रो रहा, सारे मुरीद रो रहे हैं, इस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीब और गरीब मंजर, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, आज रात तूने खाना खाया था? कहा, नहीं खाया था, नहीं खाया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, आज रात सोया था? कहा, नहीं सोया था। कहा, आंख मुझे भी नहीं लगी, नींद मुझे भी नहीं आई। ये मंजर सब मुरीद देख रहे हैं, वो मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में अश्कों की बरसात जारी है। ये वो रोने वालों का मकाम है। ये डिस्कशन हो रही है पीर और मुरीद की, और फिर ये आंसू बातें कर रहे हैं। मेरी दास्तान ने हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान ने हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। मैं उसे ये रोने, और हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें। ये चिश्तियों का रोना है, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें। शबनम की तरह हमें रोना नहीं आता।